वेलकम टू स्टेपअप आईएएस एक्सप्रेस के न्यूज़ पेपर डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 21 जनवरी है आज, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को देखेंगे और आज न्यूज़ नहीं होगा इस डिस्कशन में, आज हम सिर्फ आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं। आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन का लिंक आपको दिया गया होगा, तो आप शाम तक विजिट कर लेंगे वेबसाइट पर, आपको वहाँ पर मिल जाएगा आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन और साथ में प्रिलिम्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, 7500069419। आप में से कोई भी अगर प्रिपरेशन में जिनको समस्या आती है और वो गाइडेंस में आना चाहते हैं, यकीन मानिए ये गाइडेंस के साथ एक सुपरविजन प्रोग्राम है और उसमें इंडिविजुअल्स के कैपेबिलिटी और पोटेंशियल को देखते हुए आपका प्लान बनता है और उसमें आपके जो मेंटर होते हैं, कोच होते हैं, वो टारगेट करते हैं कैसे कैसे आपको पूरा शेड्यूल करना है, कैसे टारगेट को अचीव करना है, कैसे चीज़ों को याद करके लॉन्ग ड्यूरेशन तक ले करके जाना है, आंसर राइटिंग में अच्छा कैसे करना है, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती हैं। जानकारी चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले आर्टिकल से, इन प्लेन बांग्ला। ये आर्टिकल है इंडिया बांग्लादेश के ऊपर, ठीक है। और जैसा कि हमने कल न्यूज़ में डिस्कस किया था कि यहाँ से कई लीडर्स इंक्लूडिंग आवर प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश में विजिट पर जा रहे हैं और उसी को तर्ज में रखते हुए और ये आर्टिकल लिखा गया है इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन पर। जैसा कि आपको पता है, इंडिया और बांग्लादेश अगर आप बेसिक जानना चाहें तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है कि बांग्लादेश और इंडिया का पार्टिसिपेशन कौन कौन से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर है, इसके बाद हमारे बीच में कौन कौन सा ऐसा एग्रीमेंट है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो दोनों देशों के बीच में चल रहे हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो वैसे भी जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक लेवल पर बांग्लादेश का काफ़ी इम्पॉर्टेंस है इंडिया के लिए, एज़ यू नो कि नेबरिंग कंट्री भी है। कुछ प्रोजेक्ट्स याद रखेंगे, से गंगा वाटर एग्रीमेंट है दोनों के बीच में, BBIN बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल, ये इनिशिएटिव है जिसमें बांग्लादेश और इंडिया एक साथ है। इसके बाद बिमस्टेक में दोनों एक साथ है, इस तरीके से कई और है। अब देखिए आर्टिकल में क्या कहा गया है, आर्टिकल में दोनों देशों के रिलेशन में जो उतार चढ़ाव आते रहे हैं उसका जिक्र है। वैसे तो 1971 में जब लिबरेशन वॉर हुआ था और बांग्लादेश को या ईस्ट पाकिस्तान को अलग किया गया था, तो उस समय इंडिया ने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई थी और यहाँ के मिलिट्री हेल्प की वजह से ये पॉसिबल हो पाया था और बर्थ ऑफ बांग्लादेश माना जाता है। तो वो एक ऐसा पॉजिटिव वहाँ पर मोड़ था कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में काफ़ी क्लोजनेस रहता है। हाँ, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं दोनों देशों के बीच में, ये डिपेंड करता है कई बार पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ पर, कई बार सरकमस्टेंसेस पर। हालांकि बीच में जो सिस्टम था वो सही नहीं भी देखा गया, एंटी इंडिया भी वहाँ पर जो सेंटिमेंट है वो फैलाने की कोशिश की गई और इस तरीके से कभी चीज़ें सही होती हैं, कभी चीज़ें सही नहीं होने लग जाती हैं। तो अभी इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है इस आर्टिकल को कि जो अभी वहाँ पे प्रेजेंट लीडर हैं उनका काफ़ी क्लोजनेस है इंडिया के साथ, और शेख हसीना जी ये काफ़ी क्लोज रही हैं भारत के, इनकी पढ़ाई भी भारत से पूरी हुई है और इसके अलावा इनके दौरान, इनके टर्म में कई सारे ऐसे पैक्ट हुए, कई सारे प्रोजेक्ट हुए जिसको इंडिया बांग्लादेश ने सफल किया, चाहे वो तीस्ता वाटर प्रोजेक्ट हो या फिर अदर कोई एग्रीमेंट हो, अदर प्रोजेक्ट्स हो, वो इन दोनों देशों के बीच में इनके टेन्योर में हुआ है जो प्रेजेंट वहाँ पर अभी प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ की। आगे आर्टिकल में कहा गया है कि लेकिन अभी जो कुछ डेवलपमेंट भारत में हो रहे हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है या NRC है, ये ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसा होगा नहीं क्योंकि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि ये इंटरनल मैटर है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा साथ में कि इसकी आवश्यकता नहीं थी, इट वॉज नॉट नेसेसरी कि इंडिया में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता और NRC लाया जाता। सरकार क्या कह रही है CAA के लिए, कह रही है कि जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ के, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ के जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं उनको, और एक्सेप्ट मुस्लिम, ये भी कहा गया है, यहाँ पे भारत में सिटीजनशिप के राइट्स दिए जाएंगे
और उसमें जो नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें समय काफ़ी कम हो जाएगा। और तो इससे इससे क्या समहाउ क्या निकल रहा है, जो अपोजिशन है या अदर लीडर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं कि इससे तो ये कहा गया कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ भेदभाव होता है या उनको सही से नहीं रखा जाता। हालांकि बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को क्लियर किया कि अभी का जो समय है बांग्लादेश में उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले के समय में जो माइनॉरिटीज़ प्रॉब्लम फेस करते आए हैं उनके लिए सरकार ये जो लॉ है कानून है उसको लेकर के आई है। तो इसको बायलेटरीज रिजॉल्व किया गया, लेकिन इससे एक खटास पैदा हो रही है धीरे धीरे। बांग्लादेश की तरफ से ऐसे किसी भी आउट माइग्रेशन को डिनाई किया गया है, और अभी रिसेंटली जो इनका आया था एक मीटिंग के दौरान हसीना जी ने ये कहा कि ये इंटरनल अफेयर है, इंटरनल मैटर है भारत का, जो भी वहाँ पर कानून बनाए गए सिटीजनशिप को लेकर के या NRC को लेकर के। तो ये इन्होंने क्लियर कर दिया। इसमें जैसे बाकी देश जो हैं कई बार वो सीधा अपोज कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से अपोज किसी भी चीज़ का नहीं किया गया है। हाँ, थोड़ा सा जो नाराज़गी है उसको जताई जताया गया है, क्योंकि कई मीटिंग्स से उसको कैंसिल किया गया है। इन दौरान दो विजिट थे डिप्लोमेट्स के भारत में जिसको कि कैंसिल किया गया था। तो ये ऐसे इवेंट्स, ऐसे एक्शंस जो हैं वो ये बताते हैं कि बांग्लादेश को नाराज़गी है इस चीज़ पर। लेकिन उसको भारत ने भी बहुत अच्छे से संभाला है। ये कहा कि इनके टर्म में कोई भी ऐसा प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ है, इनके समय में जब शेख हसीना की गवर्नमेंट है वहाँ पे बांग्लादेश में, तो ऐसी माइनॉरिटीज़ को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ों को कह करके इस तरीके से हमने भारत ने कोशिश की है कि रिलेशन को मेंटेन किया जाए, और अभी इस रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ से जो लीडर्स हैं वो बर्थ एनिवर्सरी पर जा रहे हैं वहाँ बांग्लादेश में। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन देयर। एंड अगले आर्टिकल पर चलते हैं, दिल्ली डेवोस डिसकनेक्ट। यहाँ पर WEF का जिक्र किया गया है। हालांकि पूरे आर्टिकल में जो बातें लिखी गई हैं वो US को टारगेट करते हुए लिखी गई हैं। उसमें बस छोटी सी बात है ये भारत के लिए कि इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है इस समय में, और इंडिया को भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए कि कैसे वो इस इकोनॉमिक वर्ल्ड में अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। पहले हम बात करेंगे WEF की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। देखिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को 1971 में स्टैब्लिश किया गया था, और इस तरीके से 50 साल पूरे होने वाले हैं WEF के। अभी मीटिंग थी वहाँ पर, और ये कहाँ पर बेस्ड है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में बेस्ड है, डेवोस में इसकी मीटिंग थी। क्या काम होता है, क्या उद्देश्य होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, तो कई सारे रिपोर्ट्स से निकालती है। रिपोर्ट्स में किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन कैसा है उस देश में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है ये जो कि देखती है कि वहाँ पर कैसे बिजनेस चलते हैं, किस तरीके का वहाँ का सिस्टम है, एनवायरनमेंट है। उसके बाद अदर पॉलिटिकल एकेडमिक लीडर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये इसका थीम है, मेन एम है कि जो कोई भी देश है वहाँ की इकोनॉमी किस आधार पर किस तरीके से चल रही है इसको पता करना, और साथ में जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए एक एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ये उद्देश्य है इस फोरम का। फोरम का मतलब ही होता है प्लेटफॉर्म, और वर्ल्ड का इकोनॉमिक फोरम मतलब जहाँ से इकोनॉमी स्टडी भी संबंधित चीज़ों पर आपको बात करने का मौका मिले, दैट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म इट इज़। कौन कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करती है WEF, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ये WEF के द्वारा निकाला जाता है। द मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री बेस्ड ऑन द 12 कैटेगरीज कॉल्ड द पिलर ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। 12 कैटेगरीज के बेसिस पर, आधार पर, कौन कौन से कैटेगरीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के एजुकेशन, हायर एजुकेशन, गुड मार्केट एफिशिएंसी, ये सब इस 12 कैटेगरी में आते हैं, जिसके आधार पर किसी भी कंट्री का परफॉर्मेंस चेक किया जाता है कॉम्पिटिटिवनेस के मामले में, ठीक है। दूसरा है ग्लोबल आईटी रिपोर्ट। आईटी रिपोर्ट में WEF के साथ इंसीड एंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का पार्टिसिपेशन होता है, और इसमें जो भी टेक्नोलॉजी का प्रोलिफरेशन है, किस तरीके से काम कर रही है, कैसा एडवांसमेंट है, ये सब पता लगाया जाता है। तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, आगे भी आ सकता है। कई बार ऑप्शंस दिए हुए होते हैं WEF के, तीन आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, और मुझे लगता है शायद लास्ट टाइम ही क्वेश्चन इससे पूछा गया था, हमने मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज में डिस्कस किया था इसको।
तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी WEF का होता है, और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो अभी हाल ही में 6-5-6 दिन पहले निकाला गया है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये भी WEF के द्वारा निकाला जाता है, जिसमें कि जियोपॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक टेंशंस की वजह से जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना रिस्क है, ये सब इसमें चेक किया जाता है। उसके बाद तीसरा रिपोर्ट है ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ये भी इसमें देखिए हम यहाँ पर 5 टोटल रिपोर्ट को देख रहे हैं WEF के, इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार एग्जाम में आ सकता है। आइए अब आर्टिकल पर चलते हैं। आर्टिकल में जाहिर सी बात है US और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका जिक्र है कि कैसे वहाँ पर कैपिटलिज्म है, कैसे वहाँ पर हर चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है अपने पूरे कंट्री को आगे लेकर के जाने में। सो बात हो रही है ट्रम्प साहब की, ठीक है, US को टारगेट करते हुए सारी बातें ऑलमोस्ट लिखी गई हैं। तो जब ट्रम्प साहब आए थे तो उस समय में ऐसा लगा था, इनकी वैसे शुरुआत से ही जो इनका मैनिफेस्टो था वो थोड़ा सा अलग लग रहा था लोगों को, लेकिन जो अदर ग्लोबल लीडर्स है वो ये मान रहे थे कि शायद इनके इलेक्शन जीतने के बाद इनका जो तरीका होगा वो बदलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने पूरे वर्ल्ड को काफ़ी ज़्यादा चौंकाया अपने हर स्टेप्स से, अपने हर डिसीजन से। तो वो अमेरिका जो कि हर किसी के लिए खुला होता था और जहाँ पर हर किसी को मौका मिलता था, इनके आने के बाद बहुत सारी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, चाहे वो वहाँ पर जो बाहर के लोग जाते हैं काम करने के लिए उनका मामला हो, या बहुत सारे ऐसे, चाहे ट्रेड का मामला हो, ये सारे ऐसे फीचर्स थे जिनको कि इन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया आउटसाइडर्स के लिए, और इस तरीके से जो ग्लोबलाइजेशन और इमिग्रेशन का कॉन्सेप्ट था उसको इन्होंने रोकने की कोशिश की। और इस तरीके से हम ऐसा नहीं कि US UK के द्वारा भी कुछ ऐसी चीज़ें की गई, तो एक दौर चल गया था अभी पिछले कुछ सालों में जब कई सारे ऐसे वर्ल्ड लीडर्स हैं, ऐसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स चला जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, और इसी पर ये आगे बातें कही जा रही हैं। तो इनके आने के बाद जो फ्री ट्रेड, ओपन बॉर्डर और मल्टीलेटरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो सब अफेक्ट हुआ, और इस तरीके से इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हर जगह पर हुआ, चाहे वो G7 का मीटिंग था या फिर G20 का समिट था, या अभी जो हाल ही में डेवोस में लोग मिले हैं WEF फोरम पर, वहाँ पर भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, इसके खिलाफ बातें हुई। और अभी जो ट्रंप चाइना और US का ट्रेड वॉर चल रहा है उसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा पूरा वर्ल्ड परेशान है, ऐसा नहीं कि सिर्फ US और चाइना ही, बल्कि EU का भी स्टेटमेंट आया था कि EU की जो कंपनी है, यूरोपियन यूनियन की जो कंपनीज हैं, उनका नुकसान हो रहा है और इसके खिलाफ वो WTO तक जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, एंड ही इज़ री निगोशिएटेड अ 25-year-old ट्रेड एग्रीमेंट विद अमेरिका, नेबर्स कैनेडा एंड मैक्सिको। अब ट्रंप भी क्या चैलेंज करते हैं, उनका क्या मानना है, उनका मानना है कि वो ट्रेड के मामले में काफ़ी सक्सेस रहे हैं और उन्होंने अपने यहाँ पर जो भी नीतियाँ लाई हैं, जो भी पॉलिसीज अपनाई हैं, वो सब काफ़ी पॉजिटिव रहा, उन्होंने लॉन्ग टर्म से चल रहे डिस्प्यूट को उन्होंने रिजॉल्व किया है, और अमेरिका की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ उन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट किया जो कि उन्होंने निगोशिएट किया, और एक बहुत अच्छी बात है। वहीं पर चाइना की बात करें तो चाइना के साथ जो ट्रेड सरप्लस था चाइना का, उसको उन्होंने कम करने की कोशिश की है कि चाइना में इम्पोर्ट ज़्यादा हो रैदर देन एक्सपोर्ट। उसके बाद EU से बात करें तो EU को लेकर के भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है EU और US के बीच में, क्योंकि EU के पास अभी सरप्लस में है ट्रेड, दैट $200 बिलियन ट्रेड सरप्लस विद US, तो उस चीज़ को भी यहाँ पर US कम करना चाहता है। तो US का मानना है कि EU के साथ जो ट्रेड है वो चाइना से भी ज़्यादा भी वर्स कंडीशन में चल रहा है। तो इन शॉर्ट इस समय जो ट्रंप गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि, या फिर डोनाल्ड ट्रंप है वो चाहते हैं कि अमेरिका जो है वो सुप्रीम पर रहे, टॉप पर रहे, और उनके साथ उनका हर किसी के साथ सरप्लस हो ट्रेड में, और जो सुपर पावर का एक टैग है US के पास वो बना रहे, और वो टैग तब आएगा जब हर एक कॉन्सेप्ट वो उस पर वो टॉप पर रहेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक हो, स्ट्रेटेजिक हो, पॉलिटिकल हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर
क्या कहा गया इस पूरे मीटिंग में, ये तो था कि अमेरिका की क्या कहानी है या यूएस और चाइना का क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, जियो इकोनॉमिक जियो पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा है पूरे वर्ल्ड में, वे फॉर्म में कहा जा रहा है कि इस डिबेट एंड डिस्कशन में भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी है जब हम इसका फायदा उठा सकते हैं। हाँ, थोड़ा देर ही सही, लेकिन भारत को इस बात को समझना होगा कि वो इस नई अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज कैसे उठाते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। लेकिन अभी अगर हम इंडिया के टर्म्स में बात करते हैं तो इंडिया के साथ भी अभी कई सारी दिक्कतें हैं। हम इकोनॉमिक टर्म में बहुत आगे नहीं हैं, जैसा कि अभी हम बहुत अच्छा चल रहे थे, बट फिर से जो हमारी कंडीशन है वो स्लो डाउन में है। जीडीपी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, एक्सपेक्टेशन भी नहीं है आगे कि बहुत ज़्यादा जल्दी हो पाएगा। इन्फ्लेशन है, फूड आर्टिकल्स में काफ़ी ज़्यादा उनके दामों में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ों को बैलेंस करना इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल भी इकोनॉमी पर है और ये आर्टिकल है बजट से जुड़ा हुआ। जैसा कि हम हर रोज़ एक आर्टिकल डिस्कस करते हैं जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि बजट में क्या होना चाहिए, तो इसमें इस आर्टिकल में लिखा गया है कि, वैसे तो क्लियर कट कुछ भी नहीं लिखा गया, बट जो भी बातें हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। बजट शुड इंक्रीज स्पेंडिंग इन रूरल एरिया। बजट में रूरल एरियाज में स्पेंडिंग को बढ़ाना चाहिए सरकार को, ठीक है, इसी को टारगेट करते हैं उन्होंने इस पूरे आर्टिकल को लिखा है। तो पहले तो ये पूरा शुरुआती दौर में बताते हैं कि अभी क्या दिक्कत है। स्लो डाउन है, हर किसी को पता है। डेफिसिट बढ़ गया है क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन था सरकार का, सरकार के पास उतने पैसे आए नहीं, और रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से अभी सरकार बहुत ज़्यादा खर्चा कर नहीं सकती है। तो इसके लिए एस्टिमेशन करना बहुत ज़रूरी है कि सरकार के पास कितने पैसे आएंगे और फिर कितने वो खर्च कर सकती हैं। तो पहला पर्पस तो ये है कि वो बजट जो तैयार हो उसके लिए इनके पास प्रॉपर स्टेटमेंट हो जिससे कि एक एस्टिमेट तैयार किया जा सके। एंड आर एस्टिमेट शोज दैट द शॉर्टफॉल माइट बी एनी वेयर बिटवीन 0.5 to 0.7% ऑफ द जीडीपी। अब यही सारा चीज़ है कि सरकार के पास इज नाउ फेसिंग द ह्यूज मिसमैच। गवर्नमेंट ने, हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने जो एक्सपेक्टेशन किया वो किसी भी एंगल से आगे फुलफिल नहीं हो पाया और इससे काफ़ी मिसमैच हो गया। क्योंकि अगर हमने सोचा है कि इतने पैसे हमारे पास आएंगे और हमारे पास उतने पैसे नहीं आए, हमने खर्चे का प्लान पहले बना रखा है, तो उससे क्या होगा, हमें उधार लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो मिसमैच है अभी गवर्नमेंट डाटा में वो बहुत ज़्यादा है। तो इन सबको काउंटर करते हुए में हमें एक ऐसा बजट चाहिए जो इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता हो और वहीं जो फिजिकल डेफिसिट है उसको भी अंडर कंट्रोल रखता हो। एंड इन द कॉन्टेस्ट ऑफ गवर्नमेंट के पास ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है जिसको गवर्नमेंट अपना सकती है। पहला ऑप्शन ये बताते हैं, ट्रेड ऑफ बिटवीन टैक्स कंसेशंस एंड स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमी बाय गिविंग अ फिलिप टू द रूरल इकोनॉमी। इनका मानना है कि रूरल इकोनॉमी में अगर हम पैसे फ्लक्स करते हैं, पैसे डालते हैं, तो उससे सरकार को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। एंड ये इनका कहना है कि टोटल 4% ऐसे लोग हैं जो इनकम टैक्स को पे कर रहे हैं। अ टैक्स कंसेशंस माइट बी अ रॉन्ग अप्रोच टू स्टिमुलेट डिमांड। इनका मानना है कि अगर आप टैक्स कम कर देते हैं, क्योंकि टोटल 4% ही हैं लोग जो कि इनकम टैक्स पे करते हैं, और अगर उसमें भी आप टैक्स की कटौती कर दें, टैक्स में कंसेशन दे देंगे, तो इससे डिमांड नहीं बढ़ेगा बल्कि आपका रेवेन्यू जो है वो भी कम हो जाएगा। सो दो ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। फर्स्ट, इवन व्हेन, इसमें कहा जा रहा है कि आप अगर टैक्स को कम करते हैं तब भी कैसे फ़ायदा आपका नहीं होगा। 2% ऑफ द पीपल पेड इनकम टैक्स ड्यूरिंग 2004 to 2008। इंडियन इकॉनमी में जब 2008 का समय था, उस समय इंडियन इकॉनमी बहुत बूम पर थी, बहुत एक्सपैंड कर रही थी। उस समय हम 8% के ग्रोथ पर थे और उस समय जो लोग इनकम टैक्स पे करते थे उनकी संख्या सिर्फ 2% थी जो कि लोग इनकम टैक्स पे कर रहे थे। दूसरा, जब 4% लोग ओवरऑल अभी पे करते हैं तब भी आपके यहाँ पर स्थिति क्या है ये आप देखते हैं। द ओवरऑल ग्रॉस टैक्सेबल इनकम ऑफ दिस पॉपुलेशन वॉज 46 लाख करोड़, विच इज़ 40% ऑफ द ओवरऑल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इनका मानना है कि जो लोगों का खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है या डिमांड होता है, वो एक अलग फैक्टर्स पर चलता है। यहाँ पर अगर आप टैक्स को कम कर देते हैं या कंसेशन देते हैं तो उससे ज़्यादा फायदा आपको नहीं मिलने वाला है।
अब इस तरीके से अगर हम रूरल इकोनॉमी में पैसे इन्फ्लक्स करते हैं, लोगों को, लोगों के पास पैसे पहुंच जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको खर्च करने लग जाएंगे। तो उसके बाद दूसरा इनका क्या सुझाव है, दूसरा ये है कि इनका मतलब ओवरऑल यही बता रहे हैं कि रूरल एरिया में आपको डिमांड को बढ़ाना है, रूरल एरिया में आपको इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए आप कैसे वहाँ तक पैसे पहुँचाएंगे, लोगों के पास कैसे आप पहुँचाएं कि वो डिमांड बढ़ाएं, कंजम्पशन हो, कंजम्पशन होने के बाद ऑटोमेटिकली किसान जो स्कीम है, इनका मानना है कि अगर हम उसको वहाँ पे टारगेट करते हैं, क्योंकि अभी भी सारे फार्मर्स इस स्कीम में जुड़े हुए नहीं हैं, पीएम किसान जो स्कीम लाया गया है सरकार की तरफ से उसमें सारे लोग अभी भी जुड़े हुए नहीं हैं, तो सारे किसानों को पहले हमें इसमें जोड़ना चाहिए। 92% ऑफ द लैंड रिकॉर्ड बीइंग डिजिटाइज्ड, पीएम किसान स्टिल कवर ओनली हाफ ऑफ द एलिजिबल बेनिफिशरीज, जबकि सारे जो लैंड रिकॉर्ड हैं उनको डिजिटलाइज कर दिया गया है, लेकिन फिर भी सारे किसान अभी जितने भी बेनिफिशरीज हैं वो इसमें अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं। 2018 के बजट में सरकार ने ये प्रॉमिस किया था कि ऐसे किसान जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, ठीक है, जो टिनेंस फार्मर्स हैं उनको उनके राइट्स दिए जाएंगे और उनको इसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि 70% ऐसे फार्मलैंड्स हैं, दे आर कल्टिवेटेड बाय द टेनेंस फार्मर्स हु आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी बेनिफिट बिकॉज ऑफ डू नॉट हैव द ओन लैंड, किसी के पास अगर अपनी ज़मीन नहीं है तो उनको पीएम किसान के तहत सहायता नहीं मिल पा रही है, और जबकि वो किसान तो हैं, खेती वही कर रहे हैं, तो इसके लिए सरकार को उनके बारे में सोचना होगा। दूसरा, तीसरा ऑप्शन ये बताते हैं कि आप जो पैसे दे रहे हैं उसमें आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, मतलब 6,000 रुपये जो आप पर ईयर के हिसाब से दे रहे हैं उसमें आपको एक एक साल 5,500 रुपये के हिसाब से आपको उसमें बढ़ाना चाहिए, तो इस तरीके से अगर आप अमाउंट को बढ़ाते हैं तो जो फील गुड फैक्टर है वो आएगा पूरे फार्मिंग कम्युनिटी में और ऑटोमेटिकली रूरल एरिया में आप डिमांड देखना शुरू करेंगे। अगला ये ऑप्शन बताते हैं कि द गवर्नमेंट मस्ट थिंक अबाउट द ट्रेड ऑफ बिटवीन द टैक्स एडजस्टमेंट एंड इंसेंटिवाइजिंग द सेविंग्स। अब फार्मर को आपने इंसेंटिवाइज किया, फार्मर को आपने फ़ायदा पहुंचाया, दूसरा आपको अपना बैंकिंग सिस्टम जो है वो ठीक करना होगा और लोगों को सेविंग्स को बढ़ाने के लिए मोटिवेट करना होगा। तो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि कैसे आपने पिछले कई सारे स्टेप्स लिए हैं सरकार ने जिससे कि सेविंग्स बढ़ा है, लोगों को मोटिवेशन मिला है, वैसे ही आपको लोगों के सेविंग्स पर फोकस करना चाहिए कि वो सेविंग्स को बढ़ाएं। अगला बताते हैं कि इन सब के लिए आपको गवर्नमेंट का जो बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, उसको ठीक करना होगा और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक आपने देखा कि अब बैंक जल्दी किसी को पैसे नहीं देना चाह रही है। क्यों नहीं देना चाह रही है? बिकॉज जब NPAs होता है तो बैंक के जो अथॉरिटीज़ हैं उनको पकड़ा जाता है और उनको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर फील होना पड़ता है, इस वजह से जो बैंक है वो इतनी आसानी से अब पैसा रिलीज़ नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर ट्रस्ट को बनाने की ज़रूरत है, इसके लिए जो इतना क्राइसिस आया है खास करके NBFC का जो क्राइसिस है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। हमने 2015 से लेकर के अभी तक कई सारे कानून बनाए, एसेट क्वालिटी रिव्यू को लेकर के आए, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड लेकर के आए, इन सब के बावजूद भी अगर हम अपने उस टारगेट को नहीं अचीव कर पा रहे हैं तो हमें वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसके लिए सीक्वेंस का ये सुझाव देते हैं। इनका मानना है कि पहले रिजोल्यूशन प्रोसेस पर फोकस किया जाए, सो रिजोल्यूशन किया जाए, उसके बाद रिकॉग्निशन और रिकैपिटलाइजेशन करके आप पूरे मामले को सुलझा सकते हैं। फिर NBFCs में ऐसे NBFCs जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करना होगा, उसको बचाना होगा, उसको फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत है, और इस तरीके से अगर आप इस पूरे NBFCs को ठीक करते हैं तो फिर से जो आपका इस जो एम है दैट हाउसिंग फॉर ऑल 2022 उसको हम जल्दी से जल्दी अचीव कर पाएंगे, और उसके बाद जो हाउस के लिए जो फाइनेंस है या लोन है वो सब आराम से बैंक जो है वो देगी, तो इससे कैश फ्लो होगा और हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फुलफिल होने शुरू हो जाएंगे। आगे वे फॉरवर्ड में क्या कहा गया है कि इंटरेस्टिंगली एज वी राइट द बजट प्रायोरिटीज द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन टेलीकोस एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। जब हम बात बजट की प्रायोरिटीज की कर रहे हैं, एक के बाद एक देख रहे हैं, रूरल एरियाज में आप पैसे बढ़ाइए, NBFCs को ठीक कीजिए, तो इस तरीके से, या किसानों को हमने कल डिस्कस किया था कि कैसे फार्मर्स को हेल्प किया जाना चाहिए और उसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, फूड सब्सिडी की जगह पर हम उनको डायरेक्ट पैसे पहुंचा सकते हैं, फर्टिलाइज़र सब्सिडी देने की जगह पर हम उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज भी हमने देखा कि फार्मर्स को कैसे डायरेक्ट पैसे दिए जाएँ, पीएम किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स तक पहुँचाया जाए,
लेकिन इन सब के बावजूद एक और फैक्टर है, वो है टेलीकॉम का सेक्टर। वहाँ पर जो अभी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैसे देने होंगे सरकार को एजीआर के तहत, तो उसके एथमेटिक को भी सुलझाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को एक बार ये भी देखना होगा कि जो कंपनीज हैं टेलीकोस, उनको कैसे बचाया जाए ताकि जो मार्केट है वो डिसरप्ट ना हो, वहाँ पर डिमांड बनी रहे और इसका कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट किसी भी सेक्टर पर ना हो। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पर कहा गया है, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, कैसा लगा बताएं, लाइक करें, शेयर करें। थैंक